हाँ, चिड़ियाघर का सीक्वेंस हो रहा है, एक बच्चे की कहानी है। मेरा बेटा है उसमें, चीकू, थोड़ा शरारती है इसलिए पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन टीचर जब देखता है कि शरारती बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो वो उनको एक लेसन देता है कैसे कैसे किस तरीके से। और माँ बाप पर और बच्चे पर इस कहानी का जो भी असर पड़ेगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे शरारती होते हैं वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे शरारती होते हैं वो भी पढ़ाई में अच्छे होते हैं, लेकिन उन पर सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत होती है। माँ बाप टीचर सब मिलके ध्यान दें, स्पेशली माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चा ठीक जा रहा है, एजुकेशन में सही से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो बस लेसन है माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए भी। यहाँ पे देखा गया, मतलब जो टीचर से आपने बोला कि पास करवा दिया, मेरा बेटा पास हो गया, इस तरह। हाँ, वो सीक्वेंस का ही हिस्सा है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके बेटे बड़े स्कूलों में एडमिशन ले लें, तो उसके लिए अब वो थोड़ी सिफारिश करते हैं कि हमारे बच्चे को आगे बढ़ाइए, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे में अपना एक कैलिबर होता है, उस कैलिबर को सपोर्ट कीजिए, बच्चे का इंटरेस्ट पैदा कीजिए पढ़ाई में, ताकि वो खुद से एग्ज़ाम लिखे, खुद से क्लियर करे सारी चीज़ें और ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाए। कुछ माँ बाप ऐसे होते होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ठीक नहीं करते, वो अपने बच्चे का ही नुकसान करते हैं। हाँ, बाबूजी देखिए चिड़ियाघर के सबसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, तो हर बार वो एक लेसन ज़रूर देते हैं। तो यही कहते हैं कि आप अगर ऐसे बाप हैं जो बच्चे को पढ़ाई में गलत तरीक़ों से सपोर्ट करते हैं, तो आप गलत लोग हैं, आप उसके माँ बाप नहीं हैं, आप उसका भला नहीं चाहते। अगर ऐसे माँ बाप हैं तो वो बेसिकली बच्चे के दुश्मन हैं। बच्चे को करने दीजिए, खुद करने दीजिए, उस पर थोड़ी मेहनत कीजिए, उसको समझाइए, ना कि उसको गलत चीज़ों में सपोर्ट कीजिए। अच्छा, वो उठक बैठक का जो सीक्वेंस था, वो जब बाद में मेरी गलती पकड़ी जाती है, तो वो जो पोती है बाबूजी की, वो मुझसे कहती है कि माफ़ हम करेंगे आपको, लेकिन पहले आप उठक बैठक कीजिए। इसलिए वो से कहने पे मुझे सज़ा भुगतनी थी जो मैं भुगत रहा था।